हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर टू ऑफ सेक्शन नंबर 21। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि लेसन नंबर वन में हमने क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप की मिथ्स के बारे में बात की थी। अब हम बात करने जा रहे हैं क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप की एक्टिविटीज़ की। अब जैसे कि हम बता चुके हैं थर्ड मिथ में हमने बताया था आपको कि जो क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप है वो प्रोजेक्ट में भी यूज़ हो सकता है और फेज में भी यूज़ हो सकता है। तो ये एक्टिविटीज़ आप चाहें तो प्रोजेक्ट में यूज़ करें या फेज में यूज़ करें, जनरल एक्टिविटीज़ हैं। और इसको जैसे कि मैंने आपको इनिशिएशन में, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, कमांड एंड कंट्रोलिंग में और क्लोजिंग में सारी एक्टिविटीज़ के जरिए ही काम कराया है, समझाया है। तो हम क्लोजिंग में भी ऑफकोर्स जो है उसको फॉलो करते हैं। देखिए, जब हम क्लोजिंग की बात करते हैं तो क्लोजिंग में हमने कहा हमारे पास दो प्रोसेस ग्रुप्स हैं, क्लोज प्रोजेक्ट और फेज, और क्लोज जो है वो प्रोक्योरमेंट है। तो हमने ये कहा था, ये हमने देखा भी था कि हमारे पास हैप्पी केस हुआ या हमने और चीज़ें की तो हम इवेंचुअली अपने इंडिविजुअल डिलीवरेबल्स को एक्सेप्ट करा रहे थे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में। तो जब हम क्लोजिंग की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में हमारे पास इंडिविजुअल डिलीवरेबल एक्सेप्ट हुए थे और क्लोजिंग में हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट एज अ प्रोडक्ट एज अ होल जो है वो एक्सेप्ट होता है। तो हमारी जो नंबर वन एक्टिविटी है या क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप की नंबर वन एक्टिविटी है वो ये है कि हम ये चेक करें कि हमारा जो प्रोडक्ट है एज अ होल कंप्लीट हो गया है। नंबर टू, हम ये कहते हैं कि जनाब अगर हमने प्रोजेक्ट को किसी प्रोक्योरमेंट के नतीजे में किया है या हमारे प्रोजेक्ट के किसी फेज में प्रोक्योरमेंट हुई है तो हम उस प्रोक्योरमेंट के जो स्टेप्स हैं या प्रोक्योरमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको जो है हम कंप्लीट करें और हम अपने जो भी हमारा जो है वो सब कॉन्ट्रैक्टर है उसको फॉर्मली साइन ऑफ करेंगे, जनाब दिस इज़ व्हाट इट इज़। देन हम ये कहते हैं कि अगर हमने प्रोजेक्ट की प्रोडक्ट को कंप्लीट कर लिया है तो थर्ड स्टेप में हम उसको उसके एंड यूज़र को या उसके रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट्स को उसको ट्रांजिशन कर देंगे, भाई दिस इज़ व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर, ये हमने कंप्लीट कर लिया और आप इसको जो है वो ले लें या इसको रिसीव कर लें। देन फोर्थ में हम ये कहते हैं कि जनाब जो आपने प्रोडक्ट रिसीव किया है एज अ होल उसका ज़रा फीडबैक दे दें कि जनाब इसका ओवरऑल फीडबैक किया है। फिफ्थ में हम ये कहते हैं कि जो भी फाइनेंशियल क्लोजिंग है, अगर मैं किसी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या मुझे जितनी भी चीज़ें उन सबको जो है मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको फाइनेंशियली क्लोज करता हूँ। ज़ाहिर है पेमेंट तो ज़रूरी उस वक्त नहीं आती, लेकिन हम अपनी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। देन हम सिक्स में ये कहते हैं कि हम अपनी टीम को बुलाते हैं जो उसमें इन्वॉल्व थी, उससे कहते हैं कि भाई आप जो है अगर आपको इस प्रोजेक्ट्स में कोई करेक्टिव एक्शंस करने पड़े या कोई नई लर्निंग आपने की है तो उसको ज़रा आप लेसन लर्न में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो हम लेसन लर्न को जो है वो डॉक्यूमेंट करते हैं। ज़ाहिर है हम फेज हर फेज में कर रहे होते हैं, थ्रू आउट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कर रहे होते हैं, तो एंड में भी हम उसको परफॉर्म करेंगे। तो हम अपनी टीम के साथ बैठ कर और दूसरे लोगों के साथ बैठ कर जो है वो अपने लेसन लर्न को जो है वो फाइनलाइज कर लेते हैं। देन हम ये कहते हैं नेक्स्ट स्टेप में सेवन में कि जनाब हम अपने प्रोजेक्ट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, मेमोज हैं, उन सबको क्या कर लें हम इंडेक्स एंड आर्काइव कर लेंगे। भाई ये हमारे जो हैं वो सारे आइटम्स हैं जिनको हमने इंडेक्स एंड आर्काइव करना है। एंड देन जो हमारा लास्ट और आखिरी आप कह लें एक्टिविटी है क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप की, वो ये है कि हम अपनी टीम को जो है वो जो रिलीज़ कर दें। अगर वो फेज की टीम है अगले फेज में जाएगी तो ज़्यादा उसको रिलीज़ नहीं करेंगे, लेकिन वो टीम जिसने इस फेज़ में काम खत्म कर लिया है उसको जो है हम यहाँ पे रिलीज़ कर देंगे। अगर हम दोबारा एक रीकैप कर लें तो हम कहते हैं कि हमने नंबर वन एक्टिविटी ये है कि हम ये चेक कर लें कि हमारा प्रोडक्ट एज अ होल जो है वो कंप्लीट हो गया है। नंबर टू ये कि अगर हमने कोई प्रोक्योरमेंट की है तो हम उसको कंप्लीट कर लें। नंबर थ्री ये कि हम अपनी प्रोडक्ट को जो है वो ट्रांजिशन कर दें टू द एंड यूज़र डिपार्टमेंट और एंड यूज़र। फोर्थ ये है कि हम उससे उनका एक फाइनल फीडबैक ले लें ओवरऑल प्रोडक्ट के हवाले से। देन हम ये कहते हैं कि जनाब हम फाइनेंशियल क्लोजिंग को परफॉर्म करते हैं। देन सिक्स नंबर पे हम ये कहते हैं कि हम जो है वो अपनी टीम का लेसन लर्न ले लेते हैं, उनके जो है वो रिफ्लेक्शंस को जो है वो कॉपी कर लेते हैं। देन हम सेवन पे अपने सारे रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को, चीज़ों को जो है वो इंडेक्स एंड आर्काइव कर लेते हैं। फाइनली हम जो है अपनी टीम को रिलीज कर लेते हैं। तो ये जो है बेसिकली हमारे पास टिपिकल एक्टिविटीज़ हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी सीक्वेंस में करें, कुछ के सीक्वेंस आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, बट दिस इज़ हाउ वी परफॉर्म क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप इन एनी फेज और इन प्रोजेक्ट। आई होप यू एंजॉय दिस शॉर्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बेसिकली आपको क्लोज प्रोक्योरमेंट के हवाले से बात करूंगा। थैंक यू।